जनाबे चेयरमैन, ये कुर्सी आपकी रिस्पेक्टेबल चेयर है। जिस तरह मलक साहब ने कहा था उस दिन आप यहाँ तशरीफ फरमाते, आप तकरीर कर रहे थे, आप हकूमती पार्टी से आपका ताल्लुक है, जब आप अपना दर्द सुना रहे थे, जब आप अपनी फरियाद कर रहे थे, तो सामने कौन बैठा था? यहाँ एक कुर्सी पर कोई बंदा था? ये संजीदगी की ये आलम है। जनाबे चेयरमैन, अभी मेरे दोस्त ने बात की, मिनिस्टर फैनाज साहब ने, मैं उनके बारे में ये अल्फाज अदा नहीं करूंगा, लेकिन ये जो बातें उन्होंने की इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मुझे बताया जाए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कि अब तक इस पीएसडीपी के 3 क्वार्टर में से कितने क्वार्टर के पैसे वफाक से आए हैं और कितने अरब रुपए वापस वफाक के पास जाएंगे? 100 अरब रुपए जनाबे चेयरमैन, ये कितना बड़ा जुल्म होगा जिस 100 अरब रुपए में से हमने अपने बच्चों के लिए यहां स्कूल बनाने थे। जनाबे चेयरमैन, जिस अभी जे मेरी बात आप सुने, मेरी आप बात सुने जनाबे चेयरमैन, ये ऐसी बात नहीं है। हम भी जाते हैं, हमने भी कुछ सीखा है, हम भी पीएनडी डिपार्टमेंट जाते हैं, हम भी सेक्रेटरी साहब मिलते हैं, हमें वो हमें अंदरूनी जितनी भी आपकी कहानी है आपके वज़रा हमें बताते हैं, आपके पार्लिमानी आपके एमपीएस बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आज जनाबे चेयरमैन, आपका पूरा डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, सूबे में कुछ नहीं हो रहा है। जनाबे चेयरमैन खुद फरमा रहे हैं 88 अरब रुपए में से कितने अरब रुपए की ऑथराइजेशन हुई है, कितनी की रिलीजेज हुए है और कितना आपका लैप्स हो रहा है। वफाक तो खुश है जनाबे चेयरमैन, वफाक ने तो वैसे भी हमारे डेवलपमेंट के अरबों रुपए पे कट लगाई है और इस बात में भी खुश है कि वो उनके पैसे ना खर्च होने की वजह से पैसे वफाक के पास जा रहे हैं। जनाबे चेयरमैन, मेरे दोस्त ने बात की कि लास्ट पीएसडीपी किसी और हुकूमत ने बनाई थी, किसी और हुकूमत ने नहीं बनाई थी, आपके पार्टी ने बनाई थी। किस हुकूमत ने बनाई थी? उस वक्त किस पार्टी का वजीर आला था? आपके पार्टी का वजीर आला था, उसने पीएसडीपी बनाई थी। आज आपको अपने पार्टी के वजराए आला का वो पीएसडीपी एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाबे चेयरमैन, हमें यहां बताया जा रहा था, सीएम साहब ने यहां हमें यहां वादा कराया था कि लेवीज को खत्म नहीं किया जाएगा, लेवीज बहाल होगी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लेवीज होगी, उनकी तरबियत होगी, उन्हें असला दिया जाएगा, उन्हें ये कितने अरब रुपए दिए जाएंगे। आज एक बार फिर हुकूमत साजिश कर रही है। मेरे दोस्त जो जो पार्टी में है यहां, बाकी पार्टियों के वो देख ले के वो लेवीज, वो कम्युनिटी पुलिस जो अंग्रेज के दौर से थी और जिनके पास 95% इलाका है, उस इलाके में ज्यादा अमन है, पुलिस के इलाके में अमन नहीं है। अब एक बार फिर साजिश की जा रही है, वो लेवीज फोर्स को खत्म कर रही है। ये हमारे अवाम के साथ धोखा होगा और इसीलिए लेवीज पे हमले किए जा रहे हैं, इसीलिए लेवीज का कत्लेआम किया जा रहा है, इसीलिए तो लाल कटाई संजावी में हमला हुआ लेवीज पर, इसीलिए ताकि लेवीज को नाकाम साबित किया जा सके और कोई और लोग यहाँ आ जाकर आकर यहाँ वो इक्तदार संभाले। ये इस तरफ जो है ना सूबे को लेकर जा रहा है। यहाँ वजीर आला साहब ने क्या कहा था, वो रिकॉर्ड आप मंगा ले, उसने कहा था कि लेवीज खत्म नहीं होगी। आज फिर ये अखबार में जंग में आया है कि हकूमत एक बार फिर लेवीज को वो खत्म कर रही है। जनाबे चेयरमैन, ये हमें कबूल नहीं है इस तरह की बातें। ये हकूमत जिसकी राह पे चल रही है, जिस राह पे चल रही है, ये किसी और के कहने पे चल रही है, ये खलाई मखलूक के कहने पे चल रही है, इस तरह ये नहीं होगा जनाबे चेयरमैन। खबर की तस्दीक कर रहे, खबर सही नहीं है। कहते हैं, ये कहते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे इस तरह नहीं करते हैं। आवाम के नुमाइंदे आवाम के हकूक की बात करेंगे, आवाम के हकूक की बात ये लोग कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि इन्हें खुद अपने आप के ऊपर सवालिया निशान किया कि हम पत्नी किसके नुमाइंदे हैं। वो सबको पता है कि आप किसके नुमाइंदे हो। लिहाजा जनाबे चेयरमैन,
जनाब चेयरमैन आप मेरी बात सुन ले, इन्होंने खुद सवालिया निशान किया, इन्होंने कहा कि हम जो है ना किसके नुमाइंदे हैं। आप बैठ जाए दिनेश भाई, आप लाडले हो, हमें पता है कि आप लाडले हो, आप बैठ जाओ। कंक्लूड कर ले, 25 लाख रुपए आपको मिल गए, बस ये है 25 लाख रुपए आपके लिए बस है जनाब चेयरमैन। बस आप मुख्तसर कर ले नसला भाई, दिनेश साहब बैठ जाए। अभी जनाब चेयरमैन आज के बाद जो दिनेश भाई ने जिस तरह कहा, इसको शायद 25 लाख रुपए और मिल जाए। नहीं, हमारा कोई नहीं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आपने खुद कहा कि हम किसके नुमाइंदे हैं। भाई अगर आप इस तरह अगर आपके खिलाफ आप लोग चलेंगे तो फिर मुझे ये पीएसडीपी की बात उन्होंने की, आप ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये बातें जनाब चेयरमैन होगा, इनको हुकूमत का मौका मिला है, उन्होंने आप बात खत्म कर ले, आपका मौके सामने आ गए। 5 साल इनकी हुकूमत रही है, हमारी हुकूमत भी जो काम हमने किए 40 साल में नहीं कर सकेंगे। हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, सूबे में 4 यूनिवर्सिटियां हमने बनाई है, 4 यूनिवर्सिटियां की तारीख है जनाब चेयरमैन। 2014-15 का पीएसडीपी उठा है, देखिए 4 यूनिवर्सिटियां वो हमारे दौरे हुकूमत में बनी है, इनके दौरे हुकूमत में नहीं बनी है। नसला जिया साहब, पीएसडीपी यहाँ पर सारे माजिज अरकान आवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हैं, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सारे जनाब नसला जिरे साहब, यहाँ पर सारे माजिज अरकान जो है वो आवाम की ओर से मुंतखब होकर आए, आवाम के नुमाइंदे हैं। आप इस तरह की बात करके उनका इस्तेहकाम मंजूर ना करें जनाब चेयरमैन। आप अभी और ये बलूचिस्तान के अवाम से जो अपनी पार्टी के शिकस्त का बदला ले रहे हैं। नहीं, कोई बदला नहीं लेगा। खत्म कर लिया, तो पता है इनको शिकस्त हुई है, किस तरह ये लोग जीत कर रहे हैं, किसने इनको ये पाया था, वो खुद कह रहा है, ये खुद अपनी निजी महफिलों में कह रहे हैं कि हमें किसने जितवाया था, ये खुद निजी महफिलों में कहते हैं, सरेआम कहते हैं, ये नविश्ते दीवार है कि ये किस तरह कहते हैं कि हमें किसने जितवार कर लाया। दिनेश साहब बैठ जाए, दिनेश साहब और मिल जाएंगे इनको 25 लाख रुपए और मिल जाएंगे जनाब चेयरमैन, इनको बिठाओ। ओके बिठा दिया आप जनाब चेयरमैन, अगर आप जो है अगर आप लोग मुझे कार्रवाई आगे नहीं ले जाने देंगे तो फिर आप फिर इजलास का फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। बात सुने जनाब स्पीकर साहब, नहीं 2 मिनट यार बात सुने, बात ये भाई बात सुने जनाब स्पीकर, मुझे बोलने दे, चुके हैं आप 5 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। आप ऐसे करके मेरे एक बात रह गई, जीत के फिर एमपीए की सीट पे बस खत्म कर ले, आखिरी जुमला बता दिया अपना, पत्नी कौन लेके आए, आप हमें बात तो सुने, आप जनाब स्पीकर ही कौन से तरीके कार है जनाब चेयरमैन, की आवाम की बात करे, कौन लेके आए बात करे, हम काउंसलर कौन, मैं काउंसलर था उसके बाद फ्लोर देंगे और अल्लाह ने कामयाब किए, मेहनत किए, आप ऐसा हाथ उठाते हैं, आप किसने दिया है, करके आए मेहनत करके आए, किसने दिए, मैंने रोलन दे दिया, मेरे जज्बाती ना हो जाए, आप जज्बाती ना हो जाए, आप तो सबसे बड़े नुमाइंदे हैं उनके। जनाबे मोबिल साहब मैं आपको फ्लोर दे दूंगा, आप बैठ, मैंने रूलिंग दे दी इस बात पर। किधर से आए हो, ये बातें मत करो कि किधर से आए। अहमद नवाज साहब बैठ जाए, अहमद नवाज साहब
احمد نواز صاحب آپ لیٹ پہ آئے ہو، آپ لیٹ پہ آئے ہو احمد نواز، آرڈر ان ہاؤس، آرڈر ان ہاؤس، آپ لیٹ پہ آئے ہو، آرڈر ان ہاؤس۔ یہ غلط طریقے طریقے کار ہے اسمبلی میں کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا۔ میں آپ کو فلور دے دوں گا، اپنا موقف بیان کر لیا آپ۔ کام نہیں ہو رہے، ہم آپ کے ساتھ اگر کام نہیں ہوئیں گے، مگر یہ نصرالہ صاحب اگر آپ لوگ سوالات کی طرف آئیں گے تو میں سیشن کو آگے لے جاؤں گا اجلاس کو، ادر وائز میرے خیال میں میں اجلاس ملتوی کروں گا پھر۔